योगी बाबा का राज है यहाँ पे, इस तरह से दहशत फैलाता है कि आदमी को अभी जीना महाल हो गया। यहाँ पे बाबर है, बाबर है, राजा है, इन लोग सब मिल करके बोलता। बोले यहाँ पे अभी योगी राज अभी चलेगा, ये बुलडोजर चलेगा, हर चीज चलेगा, पुलिस देखता रहेगा, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरह से इन लोग डरा रहा हम लोगों को। महानगर के मोमिनपुर के मयूरभंज इलाके में कल रात एक जमीन खाली करवाने के मामले को लेकर कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें एक व्यक्ति को बुरी तरह से चोट आई है। आरोप है कि 3 नंबर मयूरभंज रोड पे स्थित कुछ मकान और दुकान को खाली कराए जाने को लेकर विवाद चल रहा था और इसी दरमियान कल रात को कई अज्ञात लोगों ने आकर दुकान वाले पर हमला कर दिया, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। वहीं इस मामले में जमीन खाली करवाने वाले यानी जमीन खरीदने वाले पार्टी का अब तक कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है और न ही उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान अहमद जी, 3 मयूरभंज रोड, मेरा जीके बिजनेस पॉइंट जो मंदिर के बगल में ये दुकान है, शॉप है, ये करीब करीब 24 साल से हम यहाँ पे शॉप चला रहे हैं जी। ये एक पहले थे हम लोग जयराज जायसवाल के टेनेंट, उसके बाद वो जयराज जायसवाल से ख़रीद करके ये अभय जैन लिया जो शताब्दी के नाम से था। उसके बाद शताब्दी जो है वो कोर्ट को गुमराह कर करके एक दफ़ा डेमोलाइज ऑर्डर ले आया कोर्ट से, और फिर हाई कोर्ट में वो गया था, फिर हम लोग भी गए, फिर वहाँ पे जो है हम लोग हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट किए जो नहीं हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपायर नहीं है, हम लोग टेनेंट है। फिर हाई कोर्ट में हम लोगों को जीत हो गया, जीतने के बाद हम लोग जो है फिर शांति के साथ थे, हम लोग अपना भाड़ा जो है रेंट कंट्रोल में देते हैं, जबकि अभय जैन ने मुझे ये वकील के थ्रू जो वो ख़रीदा था जयराज जायसवाल से, तो मुझे लेटर भी भेजा, वो मेरे पास प्रूफ है, और वो बिल भी दिया, उसके बाद फिर अचानक बंद कर दिया। अब इन लोग जो है इसका मंशा अच्छा नहीं है और बहुत गलत वे है, काफ़ी गुंडा लोग को उस वक्त भी लेके आया था। आज क्या हुआ? आज जो हुआ है इन लोगों का कोई पार्टनर एक और जो है वो वीना पानी बोल करके वो कोई इसमें 8 कट्ठा जगह लिया है, और कोर्ट से सिटी कोर्ट या दूसरा कोर्ट से जो है वो कोई ऑर्डर निकाला है, वो 8 कट्ठा जमीन उसका लिया है, लेकिन 16 कट्ठा को वैकेंट का लेकर के आया वो। आज क्या घटना हुई बताएं? आज जो घटना हुआ है उन लोग तो 2 रोज आगे वैकेंट कर दिया, सबका खाली कर दिया जितने टेनेंट थे, और काफ़ी परेशान सब लोग हुए, सब रास्ता में फेंक दिया जितना सामान था, हर चीज़ था, और बारिश भी हो रही थी, सबका सामान भी भीग गया, और एक लेडीज़ जो थी उसमें वो उसका बच्चा भी होने वाला था, वो भी इतना रोती रही, जो चिल्लाती रही जो मेरे शौहर नहीं है, मुझे अभी कुछ दिन का मोहलत दे दो, लेकिन उसको भी निकाल करके फेंक दिया। अभी ये चल रहा था, मेरा दुकान जो है वो आ करके तोड़ फोड़ करने लगा, फिर हम गए थाना में हमने कल परसों रोज गए थे, 3 दिन आगे हम गए थाना में कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद वापस आया तो देखा मेरा ताला टूटा हुआ है, सामान वामान सब बाहर फेंका हुआ था, फिर हमने सब सामान को रखा, काफ़ी सामान वामान गायब भी हो गया था, फिर हमने खोल करके बैठ गए वहाँ पे दुकान में, 2-3 रोज हो गया। उसके बाद में आज अचानक मेरे भाई मोहम्मद तनवीर अहमद जो 5-6 बजे के वक्त में वो दुकान में था, अचानक 50-60 लड़का जीके बिजनेस पॉइंट मेरा, हाँ वहाँ पे मोबाइल दुकान है, रिचार्ज वगैरह होता है, ये सब है मंदिर के पास पे है। अचानक आया, आने के बाद 20-30 लड़का उसके इसमें घुस गया दुकान में, मारपीट करना शुरू कर दिया, कुछ ईंटा से तोड़फोड़ किया, हर चीज़ ये किया, बहुत काफ़ी बुरी तरह से मारा। फिर मोहल्ले के लोगों जब देखें जो ये अकेला इसको मार देगा, फिर उन लोग बचाने के लिए वहाँ पे दौड़ाए तो फिर उन लोग सब भागा। आज का ये घटना बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा, अभी बहुत हालत ख़राब है, अच्छा हालत नहीं है, उन लोगों को घूसा से मारा है, उसके बाद डंडे से मारा है, हाँ, और अभी पीजी में है और SSKM हॉस्पिटल में है, और अभी क्या होता है पता नहीं है, वहाँ पे अभी CT स्कैन ये सब चल रहा है,
और हालत बहुत खराब है। लेकिन ये जो मामला हुआ है, ये मामला तो देखा गया कि तमाम पुलिस फोर्स आए थे खाली करवाने के लिए। असल में मैंने मामला किया तब पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और पुलिस के ऊपर ही हमने हाईकोर्ट में भी मामला किया। कौन सा थाना? ये इकबालपुर का। और यहाँ पे 200, 300, 400 इसी तरह से लोग आकर के अननोन रहते हैं। पुलिस को बार बार लाल बाजार को भी फ़ोन किया, इकबालपुर को भी फ़ोन किया, जो भाई हम लोगों को दहशत हो रहा, कुछ ना कुछ घटना होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि ये हमने कंप्लेंट पुलिस के नाम में किया, ये पुलिस ही करवाया लेकर के। लेकिन उन लोगों के पास तो ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है खाली करवाने का। खाली तो करवा दिया, उससे तो कोई ये नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उसका 8 कट्ठा की जगह में वो 16 कट्ठा पूरा खाली कर दिया, वो तो गलत किया। पुलिस तो मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का लोअर कोर्ट का जो है इंजंक्शन भी है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट का जो जीता हुआ है, जो हम लोग वहाँ पे टेनेंट है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है पुलिस। हम लोग तो और जाएं तो कहाँ जाएंगे। ठीक, क्या हुआ था यहाँ उतना तो हमको पता नहीं है क्या हुआ था, बट यहाँ पे जब हम लोग बाहर आके देखे तो हमारे घर के सारे जेंट्स थे, मोहल्ले के सभी लड़के थे, सब देख रहे थे कि यहाँ पे क्या किया जा सके। मतलब उन लोग इतने सारे लोग थे, सब अंदर में गए हुए थे, और वो लोग तो है, मतलब आज नहीं, आज की बात नहीं है ये। पहचानते हैं? नहीं, हम लोग नहीं देखे किसी को, क्योंकि वो लोग तो अंदर रहते हैं, बाहर पुलिस खड़ी रहती है, हम लोग कैसे पहचानेंगे। बट ये शॉप जो है, इसमें मेरे हस्बैंड बैठते हैं, अभी जब से ये चल रहा है तो उन लोग पूरी रात यहाँ पे जाग के बैठे होते हैं, हम लोग घर पे जागे हुए होते हैं। एक हफ्ते से हम लोग सोए नहीं है जब से ये सब चल रहा है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ है जी। मेरे वालिद का 2 रूम अंदर में है, और 3 दिन पहले उन लोग एक ऑर्डर लेके आए कोर्ट का कि पूरे घर को खाली करना है। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं। ऑर्डर लेके आए, हमारे यहाँ के जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग है, सबों ने चुपचाप घर को खाली किया। खाली हो जाने के बाद उन लोग उस दिन से लेके आज तक सुबह शाम 40, 50, 100, 150 लड़का अंदर आ रहा है, जा रहा है, अंदर में बैठ के गलत काम कर रहा है। और हम लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे कि हम लोग जो भी जाएंगे कानून से काम करेंगे। कल कोर्ट खुलेगा, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से बात करेंगे, कोर्ट से काम करेंगे। अचमका हम लोग सामने यहाँ बैठे हुए हैं, 50-60 लड़का मोरवंश के रोड ज्ञान घोष कॉलेज की तरफ से आता है, और आने के बाद इनके दुकान पर पूरा अटैक कर देता है, मार ईंटा चलाता है, लाठी से मारता है। तब हम लोग जाकर उसको रोकते हैं कि भैया तुम लोग मार क्यों रहे हो? तुम्हारे पास ऑर्डर था परसों खाली कराने का पुलिस का, तुम कौन रखते हो और सैडर हो आप क्यों आके खाली करवा रहे हो? इतना मारा है कि वो बच्चा अभी SSKM हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। क्या होगा ये अल्लाह पाक जाने। क्या आप लोग डिमांड करेंगे? हम लोग ये डिमांड करेंगे कि जो भी अभी है, जो लैंडलॉर्ड है, हम लोग उसको टेनेंट, हम लैंडलॉर्ड मान चुके हैं, हम लोग उसको उसके खिलाफ, वो हमको बिल दिया है, जो लैंडलॉर्ड ये खरीदा है वो हम लोगों को बिल तक दिया है। उसके बाद हम लोग फिर रेंट काउंटर में बिल जमा करते हैं। अप टू डेट हमारे पास में बिल है, गवर्नमेंट का, सरकारी जगह का बिल है हमारे पास। अभी हम लोग का डिमांड है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हक में आके बात करें। थे तो 30-40 लड़का ऑलरेडी आया, वो मैंने वहाँ से, तो उसके बाद स्टडी इनका दुकान को, इनका दुकान में जो मारपीट किया इनका भाई से, उसके बाद यहाँ आके चाय वाली थी, उस लेडीज़ थी, तो उसको लेडीज सोच के उसको तो उसका भी सब उठा उठा के फेंक दिया। उसके बाद मेरा दुकान में आया, यहाँ से जाली उठा के फिर बाहर फेंका, और आगे बढ़ा तो फिर वो तो चार्ज कर ही दिया। उसके बाद फिर बोलने लगा जितना लड़का था सब, तब आगे बढ़ा। तो आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। और क्या कोर्ट लोग पे? अभी तो कोर्ट बंद है फिलहाल, जब तक कोर्ट खुलेगा नहीं तो कुछ तो होगा नहीं। 3 तारीख को जब तक कोर्ट खुलेगा, तो हम लोग इसीलिए भी चुप से हम लोग भी बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग तो झगड़ा लड़ाई करना है ही नहीं। तो जब है, लेकिन ये तो बाहर का लड़का लाके, एक कहाँ का लड़का, ये तो बोलिए सर, सब तो मांग। पुलिस का रोल कैसा है पूरे मामले? पुलिस का रोल तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है। पुलिस को तो हम लोग बार बार कॉल कर रहे, बार बार आ रहा है, मैंने ये कर रहा, फिर चले जा रहा। पुलिस सारी बैठी हुई है, तमाशा देख रही है। देखिए ना, पुलिस अभी भी बैठे हुए। क्या आप लोगों को अपने जान का डर है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बैठ के बैठे हुए रहते हैं रात को, रात में हम लोग तो घर पे सो नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फोल्डिंग लगा के यहाँ पे सोते हैं। हम लोग घर पे जगे हुए हैं, क्या होगा इनके साथ, क्या हादसा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इनके भाई के साथ हुआ है आज, तो इनके इन लोग के साथ भी हो सकता है। तो हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कि आप लोग मतलब बुलडोजर बोलता है योगी बाबा का, ये यहाँ पे बुलडोजर ला करके आज भी लेकर आया, कल भी लेकर आया। और एक शॉप जो है राजू भाई का, उसके बगल वाला वो शॉप भी तोड़ दिया बुलडोजर से, उसके बाद वो खाली करा, बोलता है योगी बाबा का राज है यहाँ पे। इस तरह से दहशत फैलाता है कि आदमी को अभी जीना महाल हो गया। यहाँ पे बाबर है, बाबर है, राजा है,
इन लोग सब मिल करके बोलता बोले यहाँ पे अब योगी राज अभी चलेगा, ये बुलडोजर चलेगा, हर चीज चलेगा, पुलिस देखता रहेगा, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरह से इन लोग डरा रहा हम लोगों को और बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं हम लोगों को।